माइंड में ऐसा आइडिया आया कि अगर कोई छोटा बंदा कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। तो मैंने भी ये सोच लिया कि मुझे करना है। और पहले तो मैंने जॉब किया है, उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं भी खुद का कुछ करूं, लेकिन जॉब से तो बढ़िया ही है। थोड़ा प्यार से हल्के से इसको ऐसा थोड़ा फैला देंगे। यहाँ पे बनता है पराठा है, पुलाव है, पाव भाजी है, पंजाबी है। लोग ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं? लोग ज़्यादा पसंद करते हैं राजा रानी पराठा। हाँ ठीक है, हमें एक पराठा बना दीजिए फिर। हाँ ठीक है। मुझे तो 8-9 साल हो गए, और पहले तो मैंने जॉब किया है वो मैं सब सीख गई, उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं भी खुद का कुछ करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, लेकिन जॉब से तो बढ़िया ही है। खुद का कुछ है? हाँ। क्योंकि माइंड में ऐसा आइडिया आया कि अगर कोई छोटा बंदा कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। तो मैंने भी ये सोच लिया कि मुझे करना है। रानी पराठा में क्या क्या आता है? राजा रानी में टोटली सब स्टफिंग आ जाते हैं, आलू से लेकर टमाटर, गाजर, फंसी, बीट, स्पाइसी मसाले सब आ जाता है। अभी अपने रेडी कर रहे हैं राजा रानी का मसाला। ठीक है, अभी इसके अंदर आएगा, पहले तो अपने केबिस ले रहे हैं, फिर है शिमला, ऑनियन, ए गाजर, फंसी और बीट और हल्का टमाटर, फिर आएंगे आलू। फिर जो ये मसाले होते हैं ना, जो घर के ही मसाले होते हैं स्पाइसी मसाले, वो जैसे नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, फिर ये लहसुन का पेस्ट आएगा हल्का सा, फिर ये थोड़ा स्पाइसी चिल्ली बोलते हैं ना वो आएगा, और उसके अंदर आएगा चीज़, हल्का आएगा पनीर, मसाला रेडी किया है ना अपनों ने, इसमें आएगा स्टफिंग आएगा इसका। एक पराठा बनने में कितना टाइम लगता है? बहुत 10 या 5 मिनट। कितनी टाइप के वैरायटी पराठा है आपके पास? 88 आइटम है मेरे पास। ये हो गया है, इसमें थोड़ा अपने हल्का, कस्टमर जैसा बोलेंगे ना वैसा बनाते हैं, बटर, ऑयल, वही सब के ही बनाते हैं हम। सीखा है मैंने, जहाँ जॉब किया ना मैंने वहाँ पे सीख लिया,
उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं भी खुद का कर सकती हूँ, लेकिन जॉब से बेटर है। चेंज किया ना मैंने, राजा रानी लाई ना मैं, महाराजा भी लेके आई हूँ मैं। स्टार्ट किया तो अभी आपको भी पता है कि नया नया बिजनेस थोड़ा लेट होता है, लेकिन स्टार्ट के बाद थोड़ा स्लो था, अभी रनिंग बहुत अच्छा पकड़ लिया है, खासकर राजा रानी ने रनिंग अच्छा पकड़ लिया है। राजा रानी ये अपना रेडी हो गया है, ये अपने ने निकल दिया यहाँ पे। अभी ये जो रेडी हो गया ना, अभी इसके ऊपर स्टफिंग आएगा तो उसके अंदर आएगा मायोनीज, ठीक है। ऊपर भी स्टफिंग और अंदर भी? हाँ, ऊपर भी और अंदर भी। अभी इसको फ्राई करेंगे। क्या बटर है? ये बटर है, बटर। अभी अपना ये फ्राई हो गया है हल्के, अभी कट करेंगे इसको। ये कितने पीस होते हैं? इसके 8 पीस आते हैं। हाँ, अभी ये जो हो गया ना, इसको अपने निकालेंगे इसे। थोड़ा प्यार से हल्के से इसको ऐसा थोड़ा फैला देंगे। अभी इसके ऊपर आएगा चीज। और हल्का चाट मसाला आएगा, चटपटा। गए मेरा राजा रानी पराठा, साई सुजरी स्पेशल, सूरत डुमस रोड बिग बाजार के पास, लेंसर आर्मी स्कूल। टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइमिंग मेरा 4 से रात को 12। 4 से रात को 12। क्या कौन कौन हेल्प करते हैं? हेल्प में हेल्प में तो 3-4 लड़के हैं मेरे पास हेल्प करने के लिए। सब कुछ कर लेते हैं, मतलब कभी कोई ऑर्डर आएगा तो पुलाव मार देंगे, सब्जी मार देंगे, पाव भाजी मार देंगे, या सेक लेंगे पराठा, लेकिन पराठा मैं ही बनाती हूँ यहाँ पे। और भी एक लड़का है, वो भी बनाता है पराठा, जब मैं ना रहूँ ना तो सेम टेस्ट वो भी देगा। इसका प्राइस क्या रहता है? इसकी प्राइस है 250। हाँ, क्वालिटी मेंटेन कैसे करते हैं, मतलब क्वालिटी से बात कैसे रहता है? क्वालिटी में ऐसा रहता है कि मेरी क्वालिटी फ्रेश होती है, आलू से लेकर टमाटर, कांदा, केबिस, मिक्स वेज, शिमला, पालक, धनिया, सब फ्रेश मटेरियल होता है। वो फ्रेश के हिसाब से कस्टमर दूसरी तीसरी बार आते हैं, क्योंकि टेस्ट अलग हो जाता है ना फ्रेश का, इसके लिए।